मैं गया था एशिया के सबसे बड़े और दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रेलवे एग्जीबिशन में। भारत मंडपम में हुआ था ये, जहां सीमेंस ने अपनी लेटेस्ट रेलवे टेक्नोलॉजी दिखाई दुनिया को। काफी नई एक्साइटिंग चीजें पता चली मुझे और एक ट्रेन चलाने का भी मौका मिला। इनके एक्सपर्ट्स ने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देकर मुझे एक्सप्लेन किया सब कुछ। ये सीमेंस का लेटेस्ट इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, यहाँ पर ऑटोमेशन एंड सिग्नलिंग सिस्टम है। शुरुआत करते हैं सिग्नलिंग से, इसको भी वो नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा रहे हैं। हियर आर सम ऑफ द प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सिग्नलिंग इंडस्ट्री। वी हैव आवर स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी व्हिच इज कॉल्ड वेस्ट्रिस मार्क 2। इन ओल्डन डेज आप देखते होंगे कि देयर इज अ पर्सन हु विल गो डाउन टू द ट्रैक एंड ही विल पुल अ लीवर, राइट? So now everything is automated and we do it with the help of our interlocking solution systems. We've commissioned successfully 1400 plus stations in India across all 17 zones. मतलब अब सिग्नल्स और ट्रैक स्विचेस को कंट्रोल करने के लिए एक सेंट्रलाइज्ड क्लाउड बेस्ड सिस्टम होगा। इससे फायदा यह है कि पुराने रिले या हार्डवेयर की डिपेंडेंसी कम होगी और पूरे नेटवर्क में सिग्नलिंग ज्यादा फ्लेक्सिबल और एफिशिएंट भी। देन वी हैव एक्सल काउंटिंग सिस्टम। व्हाट इट डज इज काउंट नंबर ऑफ व्हील्स व्हिच आर इनकमिंग एंड आउटगोइंग। वी हैव डिलीवर्ड अबाउट 30,000 प्लस यूनिट्स ऑफ इट अक्रॉस इंडिया। सो इफ यू सी हियर देयर आर टू सेंसर्स, इनकमिंग एंड आउटगोइंग। सो इट काउंट्स नंबर ऑफ व्हील्स व्हिच are incoming and number of wheels which are outgoing. If both are equal, means there's no bogey which is left behind. In case it is unequal, means there's a wagon or any bogey which is left over, and then somebody from station will come and manually check onto it. So this is about axle counters. How does it look like on the train? You have seen this yellow color kind of systems, right? So these are nothing but a sensors and receivers. मैंने पूछा कि ट्रैक्स पर ट्रेन डिटेक्ट कैसे होती हैं, तो उन्होंने एक्सल काउंटर का जिक्र किया। ट्रैक पर लगे सेंसर्स ट्रेन्स के व्हील्स या एक्सल्स काउंट करते हैं ये डिटरमिन करने के लिए कि कोई ट्रेन एक सेक्शन में है या निकल गई। पुराने ट्रैक सर्किट सिस्टम का रिप्लेसमेंट है और ज्यादा रिलायबल भी, क्योंकि ये रस्टी ट्रैक्स या इलेक्ट्रिकल इंटरफेस से कम इफेक्ट होते हैं। इसीलिए एक्सल काउंटर्स इंश्योर करते हैं कि अगर एक सेक्शन खाली है तो ही अगले ट्रेन को ग्रीन सिग्नल मिले, अदरवाइज रेड ही रहेगा। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड सीबीटीसी। दिस इज फॉर अ मेट्रोस। इट्स अ बेसिक प्रोडक्ट फॉर मेट्रोस। दिस इज नथिंग बट योर कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल सिस्टम। सो हियर इन ओल्डन डेज अंटिल वन ट्रेन लीव्स दैट स्टेशन, स्टेशन वन ट्रेन्स डज नॉट मूव फॉरवर्ड, ओके? And headways are obviously longer. So what happens in CBTC now, the moment we play a solution here, now trains are smart, they talk to each other, they know the live location. Since they talk to each other, they know the live location, hence they can reduce the headways which was earlier longer. So already we have commissioned it in Nagpur phase 1, phase 2, Kolkata metros and so on. ये टेक खासकर मेट्रो और अर्बन रेल सिस्टम्स के लिए है, जहां ट्रेन्स अपनी पोजीशन और स्पीड कंटिन्यूअसली एक दूसरे और कंट्रोल सेंटर के साथ वायरलेस कम्युनिकेशन के थ्रू शेयर करती रहेगी। सीबीटीसी से ट्रेन्स के बीच का डिस्टेंस बिना सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज किए कम किया जा सकता है, क्योंकि हर ट्रेन रियल टाइम अपनी लोकेशन ब्रॉडकास्ट कर रही है। हाई डेंसिटी रूट्स में ज्यादा ट्रेन्स चल सकती हैं इसकी वजह से, और ट्रेन्स को मैनुअली सिग्नल का इंतजार नहीं करना पड़ता। ये मुंबई दिल्ली जैसी मेट्रो में ड्राइवरलेस या सेमी ऑटोमेटेड ऑपरेशन भी पॉसिबल बनाता है। आजकल जब हर चीज नेटवर्क्ड और डिजिटल हो रही है, तो रेल सिस्टम्स को साइबर अटैक से बचाना भी इम्पोर्टेंट है। सीमेंस के नए सिग्नलिंग सिस्टम में बिल्ट इन साइबर सिक्योरिटी फीचर्स हैं, जिससे कोई हैकर या अनऑथराइज पर्सन सिग्नल्स और कंट्रोल सिस्टम को मैनिपुलेट ना कर सके। नेटवर्क को फायरवॉल्स और इंक्रिप्शन के साथ सिक्योर किया गया, तो ये सिर्फ स्पीड और एफिशिएंसी ही नहीं बल्कि डिजिटल सेफ्टी पर भी ध्यान दे रहे हैं। इन सब से मुझे एहसास हुआ कि रेलवे सिग्नलिंग कितनी तेज से मॉडर्नाइज हो रही है, क्लाउड कंप्यूटिंग से लेकर इंडिजिनस सेफ्टी टेक तक। इनके इंप्लीमेंट होने से ट्रेन और ज्यादा सुरक्षित चलेंगी और डिलेज भी कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि ऑटोमेशन और रियल टाइम मॉनिटरिंग ह्यूमन एरर और टेक्निकल फॉल्ट दोनों को कम करता है। देन वी हैव कवच एटीपी। कवच इज अ टेक्नोलॉजी वेयर वी अवॉइड एनी काइंड ऑफ ट्रेन कोलिजंस। इफ यू लुक एट हियर, देयर आर टू ट्रेन्स व्हिच आर ऑन द पाथ ऑफ कोलिजन। दे कम एंड कोलाइड ईच अदर इन केस इफ देयर इज अ सिग्नल फेलियर और अ फॉल्स सिग्नल्स। The moment we activate Kavach, what happens is if the two trains are on the same track or on the path of collision, automatic hydraulic brakes will get actuated and the two trains will come at a halt at a very safe distance. We have a tracker ID on the bogie and we have the receivers on the track. So the moment the train is moving by, it captures its absolute location. So in olden days, like even now in India, we have satellites which are providing the live location of the train by using GPS. So the moment we have that, two trains know each other's location, speed and direction at what they are moving. If they feel they are on the path of collision, automatic hydraulic brakes get actuated and two trains will come at a halt automatically at a safe distance.
ये सुन के मुझे बहुत खुशी हुई कि सीमेंस ने इंडिया का अपना इंडिजिनस एटीपी सिस्टम कवच भी अपने बूथ में हाईलाइट किया। कवच एक्चुअली इंडियन रेलवे द्वारा डेवलप किया गया एक सेफ्टी सिस्टम है जो ट्रेन को कोलिजन से बचाने के लिए ऑटोमेटिक ब्रेकिंग वगैरह भी प्रोवाइड करता है। सीमेंस अपने सिग्नलिंग सिस्टम को कवच के साथ इंटीग्रेट कर रहा है जिससे लोकल इनोवेशन को सपोर्ट मिले। अगर दो ट्रेन एक ही ट्रैक पर आमने सामने आ जाए गलती से या एक ट्रेन आगे वाली को डेंजरसली अप्रोच करे तो कवच तुरंत अलार्म और ऑटोमेटिक ब्रेक अप्लाई कर देता है। ये इंडिया की रेलवे सेफ्टी के लिए गेम चेंजर है और सीमेंस इंश्योर कर रहा है कि उनके नए सिग्नलिंग प्लेटफॉर्म्स में कवच को एकोमोडेट किया जाए। सिग्नलिंग सेक्शन देखने के बाद मेरी नजर एक बड़े स्क्रीन और सिमुलेटर सेटअप पर पड़ी जहां कंट्रोल्स थे सामने। यहां पे एक 9000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को चलाने का भी मौका मिला। यहां मैं लोकोमोटिव चला के दिखाऊंगा अभी आपको। आप इस ब्रेक को रिलीज किया अपनी तरफ, ये ब्रेक रिलीज होगा, इस लीवर को थ्रॉटल की तरफ ट्रैक्शन की तरफ डालेंगे। मुझे पता था कि इंडियन रेलवेज के लिए सीमेंस एक नया हाई पावर्ड लोकोमोटिव बना रहा है और जब यहाँ उसका ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम मिला तो मैं जल्दी से बैठ गया ड्राइवर सीट पर। इंडिपेंडेंट ब्रेक बोलते हैं जो लोगों को लॉक करता है। अच्छा, और इसमें एक और ब्रेकिंग होती है जिसको रीजनरेटिव ब्रेकिंग कहते हैं। अभी हमारी गाड़ी ओवर स्पीड हो रही है, इसको हमको न्यूट्रल में लाना होगा और ब्रेकिंग की तरफ थोड़ी देर के लिए रखना होगा। तो ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग, ये बटन अगर आप प्रेस कर दो तो ये स्पीड अब कांस्टेंट इसी स्पीड पे ट्रेन चलती रहेगी, कंटिन्यू स्पीड पे मेंटेन करेगी गाड़ी। एक लोकोमोटिव कैब जैसा सेटअप दिखा और स्क्रीन्स पर सामने रेलवे ट्रैक्स का व्यू, थ्रॉटल, ब्रेक लीवर, हॉर्न, सब कुछ एक असली इंजन जैसा एहसास दिलाता है। अगला सेक्शन जहां मैं गया वो था रेल इलेक्ट्रिफिकेशन वाला। यहां स्क्रीन पर इंडियन रेलवेज का नेटवर्क मैप था जिसमें इलेक्ट्रिफिकेशन स्टेटस दिख रहा था। एक पावर सिस्टम स्पेशलिस्ट ने मुझे बैकग्राउंड दिया कि इंडिया का रेल नेटवर्क 97% इलेक्ट्रीफाई हो चुका है और टारगेट 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का है मार्च तक। दुनिया में कुछ ही कंट्रीज हैं जो इतनी इलेक्ट्रिफिकेशन हासिल कर पाई हैं जैसे स्विट्जरलैंड, सिंगापुर वगैरह, और बड़ी कंट्रीज में देखा जाए तो इंडिया नंबर वन पर आता है। तो मैसिव इलेक्ट्रिफिकेशन ड्राइव के पीछे भी सीमेंस जैसी कंपनीज का काफी बड़ा योगदान रहा है। लेट्स से आई वांट टू नो व्हाट सीमेंस इज डूइंग इन कश्मीर, सो आई टैप ऑन टू कश्मीर एंड यू विल हैव कश्मीर पॉप अप ऑन द टॉप स्क्रीन एंड ओवर हियर वी विल टॉक अबाउट द डिस्टेंस फ्रॉम नरंग टू बनिहाल दैट हैज बीन इलेक्ट्रिफाइड, अलोंग विद दैट All the kind of challenges, impacts, key technologies and assets that are developed for the same. सिक्किम में जो बहुत ही माउंटेनस ट्रेन है उसमें इन्होंने इलेक्ट्रिफिकेशन किया है, उसकी लाइन है सिवोक से रैंकपो तक। सिक्किम रैंकपो के अंदर आज की रेट में वहाँ पे एयरपोर्ट हम सिलीगुड़ी के थ्रू जाते हैं, सिलीगुड़ी में जाते हैं, तो सिलीगुड़ी के थ्रू ही जाएंगे। फॉर द फर्स्ट टाइम दैट रेल इलेक्ट्रिफिकेशन इज गेटिंग इंस्टॉल ओवर देयर एंड सिक्किम। दिल्ली मेट्रो में जो अभी इलेक्ट्रिफिकेशन कर रहा है सीमेंस, उसके बारे में यहाँ सब बताया है, टेक्नोलॉजीज क्या यूज़ हो रही हैं। अब नए दौर में कुछ नए इलेक्ट्रिफिकेशन टेक्नोलॉजीज भी लाएंगे वो, जैसे रिजिड ओवरहेड कैटेनरी सिस्टम ROCS। एक्सपोर्ट ने बताया कि ये एक नया कॉन्सेप्ट है जहां ओवरहेड वायर्स की जगह एक रिजिड कंडक्टर इस्तेमाल होता है, खास तौर से टनल्स या ऐसी जगहें जहां क्लियरेंस कम हो। इसका फायदा है कम मेंटेनेंस और हाई स्पीड ट्रेन्स के लिए भी स्टेबल करंट सप्लाई देना। ज़्यादातर मेट्रो सिस्टम्स में या डेडिकेटेड कॉरिडोर में इसको यूज़ कर सकते हैं। एक स्पेशल सेक्शन था बूथ के एंड में। ये सब देखकर मुझे लगा कि सीमेंस का बूथ सिर्फ एक टिपिकल प्रोडक्ट शोकेस नहीं था बल्कि पूरी रेल इकोसिस्टम का इनोवेशन शोकेस भी था। सिग्नलिंग से लेकर रोलिंग स्टॉक, इलेक्ट्रिफिकेशन से लेकर डिजिटल एप्स और स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर तक हर एस्पेक्ट में नए आइडियाज और सॉल्यूशंस थे। इससे इन्होंने टेक्नोलॉजी स्पॉटलाइट एरिना में शोकेस भी किया। ये एरिना सच में स्पेशल था जहां एक ट्रेन कैब को स्क्रीन की तरह सिमुलेट किया गया था और हर स्टेशन एक टेक्नोलॉजी इनोवेशन को दर्शा रहा था। सिर्फ बटन दबाइए और पहुंच जाइए उस स्टेशन पर उस टेक्नोलॉजी के बारे में जानने के लिए। काफ़ी इमर्सिव एक्सपीरियंस रहा ये होलोग्राम वाला। इंडियन रेलवेज की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी का भी हिस्सा बन रहे हैं सीमेंस। बूथ में कई प्राइवेट कंपनीज तो थी ही, लेकिन कई गवर्नमेंट के अलग अलग रेलवे डिपार्टमेंट से भी ऑफिशियल्स आए थे अपने एरिया में सॉल्यूशंस ढूंढने। वो भी कह रहे थे कि क्लाउड इंटरलॉकिंग और डिजिटल सिस्टम से फ्यूचर में मेंटेनेंस और ऑपरेशंस काफ़ी स्मूथ हो जाएगा। उन्होंने ये भी शेयर किया कि इंडियन रेलवेज ऑलरेडी कुछ रूट्स पर कवच इंप्लीमेंट कर चुका है और उसे एक्सपैंड किया जा रहा है नेशन वाइड। तो रेल मिनिस्ट्री भी काफ़ी प्रोएक्टिव है नए टेक को अडॉप्ट करने में। कुछ और बूथ्स भी घूमे मैंने IREE में, नई नई टेक्नोलॉजीज और कंपनीज को देख कर काफ़ी मज़ा आया। ऐसी और वीडियोज अगर आप देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।